हेलो, आज हम समझने वाले डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ओके, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं, किस तरीके से डिफाइन किया गया है। ओके, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड विल स्टार्ट। ओके, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बेसिकली स्टार्ट हुआ था, ऑक्सीडेशन वॉज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ऐड होना क्या था, ऑक्सीडेशन कहलाता था। ठीक है, Mg और O2 में ऐड हुआ। ठीक है, तो MgO बना। ठीक है, यहाँ पे ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, एडिशन प्रोडक्ट है किसका, ऑक्सीजन के साथ मिलके। ठीक, तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक, अब ऑक्सीडेशन, जैसे ही ऑक्सीजन, आपको पता है कि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्यों होता है, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स कुछ ही कम होते हैं, 2-3 इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो इसी वजह से जिनके भी पास 2-3 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं जिन्हें अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, कौन से ग्रुप पी एलिमेंट्स, वो भी बाद वाले। ठीक है, तो ग्रुप पी के बाद के एलिमेंट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, जो कि बॉन्डेड, अगर कोवेलेंट बॉन्ड होगी तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे, जैसे क्लोरीन है, फ्लोरीन है। ठीक है, ऑक्सीजन वाली लाइन के, नाइट्रोजन वाली लाइन के ग्रुप के एलिमेंट्स, ये सारे क्या होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ पर क्या बताया हुआ है, Mg प्लस F2, MgF2। F2 क्या है यहाँ पे, या F क्या है, फ्लोरीन। फ्लोरीन इज अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो किसी भी ऑक्सीजन का या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन क्या कहा गया, ऑक्सीडेशन कहा गया। ठीक है, अब इसके बाद पहले हम ऑक्सीडेशन को समझ रहे हैं, फिर रिडक्शन को समझते हैं। ठीक है, तो ये हुआ। ओके, अब हम आते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिमूवल, ऑक्सीजन का एडिशन की बात हो रही है तो हाइड्रोजन के रिमूवल की बात हो रही है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे H2S से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कैसा, सोडियम पोटेशियम, कहाँ के एलिमेंट्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कली मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, कोई भी मेटल जो कि रिमूव हो रहा है अगर, तो वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन क्या समझ में आया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन या किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन। ठीक है, और उसका अपोजिट हाइड्रोजन का रिमूवल, या कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल। ठीक है, ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। रिडक्शन पे चलते हैं। रिडक्शन में क्या हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के एडिशन की बात हो रही है, उसको क्या बोला हमने, रिडक्शन बोला, अपोजिट है ऑक्सीडेशन के। ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है तो किसी भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का क्या होगा, एडिशन की बात करेंगे हम। तो यहाँ पर हमने क्या बात करी, या तो हाइड्रोजन का एडिशन या किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। ओके, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ एक तरफ से याद करके चलो, या तो ऑक्सीडेशन याद कर लो या रिडक्शन याद कर लो। इजी है कि ऑक्सीडेशन याद कर लो कि ऑक्सीजन का एडिशन या किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन, क्योंकि ऑक्सीजन खुद भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो ऑक्सीजन या किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन भी ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ठीक है, रिमूवल और हाइड्रोजन का रिमूवल या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल, इसका अपोजिट है। ठीक है, ऑक्सीजन का एडिशन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन होगा तो रिमूवल होगा हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का। ठीक है, अब यहाँ पे एक और डेफिनेशन आती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है तो भी उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, तो या तो इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, या ऑक्सीजन या कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है, या हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव हो रहा है, तो ये होगा ऑक्सीडेशन। इसका बिल्कुल अपोजिट, इलेक्ट्रॉन का अगर गेन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, या फिर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का, हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है तो इसका क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, या फिर इसका अपोजिट कि ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल हो रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाएगा। जैसे जिंक यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, अगर जिंक 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता तो क्या होता, वो भी ऑक्सीडेशन होता, जिंक वंस पॉजिटिव बनता। ठीक है, सिंगल पॉजिटिव, अब ये ट्वाइस पॉजिटिव बना है तो ये क्या हो रहा है, और ज़्यादा ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। ठीक है,
और जो भी इसको करेगा परफॉर्म उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे. जैसे 2 Mg + O2 है, तो यहाँ पे O2 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. सेम ऐसे ही रिड्यूसिंग एजेंट जिसको बोलेंगे, जो कि रिड्यूस कर रहा है, तो यहाँ पर HgCl2 + HnCl2. ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारे पास, मर्क्यूरी क्लोराइड है और यहाँ पे स्टेनिस क्लोराइड है. तो क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये Cl2H3 का एडिशन हो रहा है. ठीक है, मर्क्यूरी का एडिशन हो रहा है, तो मर्क्यूरी का एडिशन हो रहा है, तो यहाँ पर ये स्टेनिस क्लोराइड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है, इस तरीके से हम ऑक्सीडेटिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को डिफाइन करते हैं. इसके बाद आते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शंस पे. रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो रहा है. ठीक है, हम इसी रिएक्शन की बात कर लेते हैं. तो यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, HgCl2 का, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, वहीं पे SnCl2 का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है. तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो रहा है अगर, तो उसको क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, रेड ऑक्स, रिडॉक्स रिएक्शन. ठीक है, तो ये क्या होती है, रिडॉक्स रिएक्शन होती है. यह था आपका पूरा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पे डिस्क्रिप्शन. लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब.